फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं यहाँ पर आपके कुछ वर्ड्स आपके सामने बोलती हूँ। जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ चटनी, चटनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो हम खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब मैं आपको बोलती हूँ ठग, ठग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ठग मतलब कौन, जो हमें चूना लगा करके सब लेकर चला जाता है, उसको बोलते हैं ठग। इंग्लिश में ठग को क्या बोलेंगे। और कहीं पर लूट हो जाती है, कुछ लूटपाट हो जाती है, तो लूट के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या होगा। इसी के साथ में मैं आपके सामने एक वर्ड और देती हूँ जो आप देख सकते हैं, चित्ता। चित्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चित्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये चित्ता कहां से ओरिजिन होकर आया है। तो आज के वीडियो में मैं आपके सभी इसी तरीके के डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, और ये आपको बताने में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि अभी तक हम सुनते थे कि इंग्लिश में ये वर्ड, जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ पिज्जा, इसको हम पिज्जा बोलते हैं, जो कहां से आया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, वेनसडे, जिसको वेन्सडे बोलते हैं, ये कहां से आया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस से इंग्लिश में कलेक्शन हुआ। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी लैंग्वेज हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, वहां से डिराइव्ड होकर के इंग्लिश में आए हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, इसकी मैंने यहां पर एक लिस्ट की है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी या अदर्स लैंग्वेज से निकल करके इंग्लिश में आ गए हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे इनके मीनिंग्स में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं एज इट इज होंगे। तो हम देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के रोचक, इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का नेम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंग्लिश वर्ड्स डिराइव फ्रॉम हिंदी। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हिंदी से लिया गया है, हिंदी से या अदर्स लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, एटसेट्रा। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ओरिजिन हिंदी या ओरिजिन जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज से हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड देख सकते हैं हम डेकोइट। डेकोइट का मीन्स क्या होता है, डेकोइट का मीन्स होता है डकैत, जो चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करता है। चंबल के आपने भीड़ सुने होंगे, चंबल के भीड़ में चोर नहीं होते थे, डकैत होते थे, तो उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोइट बोलते हैं। तो डेकोइट की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, हिंदी वर्ड था डकैत। आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, हिंदी वर्ड था डकैत, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, उसको बोल दिया डेकोइट। और इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, हिंदी में जो हमारे एकदम सुगम चलने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा सा ओ की मात्रा लगाकर, यदि आपने फोनिक्स सुना होगा, यदि जानते होंगे तो ओ की मात्रा लगाकर या आई की मात्रा लगाकर उसको थोड़ा सा अलग बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देखिए बरांडा। तो बरांडा हम सबको मालूम है किसे बोलते हैं, तो बरांडे की स्पेलिंग, इस बरांडे की स्पेलिंग जो यहाँ से ओरिजिन हुआ वो इस हिंदी के बरांडे से, बरामदा, जिसको हम हिंदी में बोलते थे बरामदा, वहां से इसको बना दिया बरांडा। नेक्स्ट आप देखिए ठग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठग मीन्स क्या होता है, चोर। ठग की उत्पत्ति कहां से हुई, जो इंग्लिश में हम जो ठग बोलते हैं वो हिंदी के ठग से ही हुआ, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यू का यूज किया है, यहां पर ए का यूज किया। एक्चुअली यूज मैंने नहीं किया, इंग्लिश में स्पेलिंग टी एच यू जी होती है और हिंदी में जब आप बोलने जाते हैं तो टी एच ए जी होती है, लेकिन यदि आप उसका उच्चारण करते हैं तो दोनों ही ठग से ही निकल के आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बांधना। तो बांधना आप यहाँ पे देख सकते हैं, बांधना, तो यहाँ पे प्रॉपरली बांधना आपको समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, डी एच को ओनली छोड़ दिया गया है, स्पेलिंग सेम है लेकिन एच को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए देखो, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, इंग्लिश में भी एक वर्ड है डेको, उसको आप क्या बोलेंगे, टेको, उसको डेको नहीं बोला, उसको टेको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम हिंदी में बोलते हैं देखो और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेको। ये आपको लुक नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में भी ये वर्ड्स होते हैं इस तरीके से बनते हैं डेको। इंग्लिश को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर लिखा है बैंगल और यहां पर लिखा है बांगड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है बांगली, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बांगली मतलब क्या हो गया, जो हमारे बैंगल्स होते हैं, और ये क्या है, ये बैंगल। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, स्पेलिंग में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बी ए एन जी एल ई, बी ए एन जी एल आई, उतना ही अंतर है, ई और आई का ही अंतर किया हुआ है, बाकी प्रोनाउंसिएशन यदि आप बोलना चाहेंगे तो दोनों को आप बैंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कॉट।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉट, जो बेड होता है उसको आप कॉट भी बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी में बोला जाता है उसको खाट बोला जाता है। खाट से ये कॉट बना। अब आप बोलेंगे खाट से ये कॉट कैसे बना, तो बिल्कुल इजी है। हमारे बहुत सारे अभी भी जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी कॉट बोला जाता है, तो इस कॉट को खाट में चेंज किया गया और खाट से उठा के फिर से इसे कॉट में लाया गया, वो भी इंग्लिश में। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है और ये किस प्रकार से हुआ इसके लिए तो मुझे आपको पूरा टाइम देना होगा, इट मीन एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा जब इस तरीके के मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी, तो ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चिट। चिट का मीन्स क्या होता है, जो छोटी छोटी चिट होती है, ये चिट इसको दे दो। एग्जाम्स में क्या होता है, जब टीचर्स जो बच्चों को कुछ आता नहीं वो चिट लेके जाते हैं अपने साथ में कॉपी करने के लिए, तो ये वो चिट है। ये चिट कहां से बना, ये चिट बना हमारी चिट्ठी से, जो हम पुराने समय में यूज करते थे। आप देख सकते हैं चिट्ठी, अब तो उसका स्थान व्हाट्सएप ने ले लिया है, लेकिन पहले चिट्ठी चलती थी। उसी चिट्ठी में से कुछ अक्षर कम कर दिए गए, कौन कौन से आप देख सकते हैं, यहां से केवल इतने अक्षरों को हटा दिया गया और ये बना दिया गया चिट। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट अब आप देखिए चटनी। चटनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चटनी को चटनी ही बोला जाता है, हिंदी में भी चटनी ही बोला जाता है। स्पेलिंग आप देख लीजिए, चटनी की स्पेलिंग CHUTNEY इंग्लिश में होगी और हिंदी में बिल्कुल इजी होगी CHATNI, चटनी। क्लियर हुआ, चटनी को चटनी ही बोलना, लेकिन जब आप राइटिंग करेंगे तो स्पेलिंग में बहुत ही अंतर है। नेक्स्ट आप देखिए बंगलो, और यहाँ पे क्या है, बंगला। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बंगलो। स्पेलिंग देख लीजिए, ये बंगलो जो है वो बंगला से ही बना है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए लूट, लूट को लूट ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट अब आप देखिए शैम्पू। शैम्पू क्या यूज क्या होता है, शैम्पू का यूज हम हेयर वॉश के लिए करते हैं। जब हिंदी में इसको बोला गया तो शैम्पू ही बोला गया, लेकिन इसका जो स्पेलिंग बनाई गई हिंदी में वो क्या बनाई गई, चैम्पू। इसको हम चैम्पू बोलते हैं, अभी हमें मालूम नहीं है, हम हिंदी में भी शैम्पू ही बोल देते हैं, लेकिन जब आप ओरिजिनली बुक देखेंगे जिसमें शैम्पू लिखा हुआ है तो वहां पे चैम्पू लिखा होगा। पहले के लोग चैम्पू बोलते थे, शैम्पू नहीं बोलते थे। नेक्स्ट आप देखिए डंगरी, और यह है डंगरी। डंगरी का मीन्स क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है जिसका यूज गर्ल्स करती हैं, बॉयज भी करते हैं। डंगरी एक्चुअली कहां से निकल के आया, हमारे इंडिया में पहले डंगरी के कपड़े बनाए जाते थे, या हम बोल सकते हैं डंगरी के टाइप के कपड़े बनाए जाते थे, और एक पर्टिकुलर स्टेट होता था जहां पर ये कपड़े बनाते थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं दिल्ली हो गया, और साउथ के ऐसे बहुत सारे पार्ट थे जहां पर डंगरी टाइप के कपड़े बना करके लोग पहनते थे, क्योंकि वो लोग गरीब होते थे, वो अलग अलग जीन्स अलग, टी शर्ट अलग, या हम बोल सकते पैंट अलग नहीं खरीद सकते थे, पूरा एक सा कपड़ा पहनते थे, तो उसको डंगरी बोलते थे। तो ये डंगरी यहां पे डंगरी में कन्वर्ट हो गया, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए खिचड़ी। अब आप बोलेंगे खिचड़ी, खिचड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये खिचड़ी है कैटेगरी से ही निकली है, कैटेगरी कुछ स्पेलिंग से, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे भी बताया, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि खाट से कॉट कैसे बनाया, कॉट से खाट कैसे बना, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी को इंग्लिश में कैटेगरी कैसे बोला जाता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन जरूर अलग है, लेकिन बना ये खिचड़ी से ही कैटेगरी है। नेक्स्ट आप देखिए चित्ता, इंग्लिश में बोलते हैं चित्ता और हिंदी में बोलते हैं चीता। चीता को चित्ताहा कर दिया, डबल ई लगा दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आप देखिए ब्लाइटली, और यहाँ पर ये क्या है, ब्लाइटी। ब्लाइटी मतलब क्या होता है, फॉरिनर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लाइटी। तो यहाँ पर क्या है, ब्लाइटी को डब्ल्यू को चेंज करके बी में कन्वर्ट किया। प्रोनाउंसिएशन जब आप करते तो किसी भी तरीके का कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आप आ जाइए शॉल। शॉल का यूज हम ओढ़ने के लिए करते हैं, शॉल। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शाल। तो ये जो शाल है SHALL शाल, ये कोई आपका ऑक्सिलरी फॉर्म नहीं है, ये हमारा कपड़ा है जिसको हम ओढ़ने के लिए यूज करते हैं। हिंदी में शाल बोलते हैं और इंग्लिश में हम शॉल बोलते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए कमर बंद। कमर बंद जो था वो इंग्लिश बंद करके क्या हो गया, क्यूम बंद हो गया, क्यूम बंद। इसको कमर बंद नहीं बोलते इंग्लिश में, क्यूम बंद बोलते। क्यूम बंद निकला कहां से, कमर बंद से ही निकल के आया। इट मीन्स ये सभी वर्ड्स है जिसके कारण इन वर्ड्स का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट अब आप देखिए गुरु। गुरु कौन होते, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु कौन है, हम सबको मालूम है टीचर होते हैं, तो इंग्लिश में भी गुरु बोलते हैं, हिंदी में भी गुरु बोलते हैं, लेकिन हिंदी के गुरु से ही इंग्लिश के गुरु की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आप देख सकते महावट। महावट कौन होता है, जो हाथी पर बैठ के हाथी को चलाता है उसको बोलते हैं महावट, लेकिन महावट की जो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं महाउट। तो ये महाउट कहां से बना, हिंदी के महावट से बनकर आया है। तो फ्रेंड्स आप हो गए ना शॉक्ड कि ऐसे भी वर्ड्स हो सकते, ये तो थोड़े से ही वर्ड्स है, ऐसे लॉट्स ऑफ बहुत सारे वर्ड्स है जो इंग्लिश ने एक्सेप्ट किए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे और हिंदी से या अदर्स लैंग्वेज से इंग्लिश में गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे केवल प्रैक्टिस का पार्ट है। यदि आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी मोटिवेशनली हम बोले ग्रामर से रिलेटेड वीडियो, स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दी हुई है। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको टू कोर्सेज मिलेंगे, एक है हमारा ग्रामर का कोर्स, दूसरा है हमारा स्पीकिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स कि इन फ्यूचर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पहले देखने होंगे ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। एट लास्ट फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।